जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मड्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं शिव शिवं शिवं। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुछ 15 आदतें पुरुषों की जो महिलाओं की खींच को बढ़ा देता है। उन आदतों से महिलाओं की चिढ़ हो जाती है। देखिए, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अलग अलग मानसिकता वाले ढेरों लोग हैं, लेकिन एक अध्ययन के मुताबिक पुरुषों की कुछ आदतें हर किसी महिला को परेशान कर देती है। उन्हें पार्टनर की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें खींच होती है। रिलेशनशिप में आने वाले उतार चढ़ाव को बैलेंस करके चलने की जिम्मेदारी पुरुष और महिला दोनों की होती है। इसलिए बहुत से मामलों तक आपसी समझौता बहुत जरूरी होता है, समझदारी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए हम उन आदतों के बारे में बताते हैं। पहली आदत है कॉल का जवाब मैसेज से देना। ज्यादातर पुरुषों को फोन कॉल का जवाब मैसेज से देना पसंद करते हैं। ऐसा शायद वो बात करने से बचने के लिए करते हैं। उन्हें पता होता है कि गर्लफ्रेंड या वाइफ से बात करने के लिए उन्हें अच्छा खासा टाइम चाहिए और वो अपना टाइम चाय पीने और स्मोकिंग बिताने में ज्यादा पसंद करते हैं या फिर वो काम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, रिलेशनशिप कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पुरुषों की कुछ आदत होती जरूर है। रिश्ते की बुनियाद ये होती है कि आप दोनों के साथ आने की वजह से बनती हो बुनियाद, और अगर आप वक्त के साथ उसमें तब्दील नहीं करेंगे तो ये जल्दी अंत तक पहुंच सकता है। उसमें एक आदत है गेम्स खेलना। मौजूदा समय में लोग सामाजिक रहने के बजाय वर्चुअल जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। महिलाओं को इस बात से बहुत परेशानी होती है कि अपने बचपन में वो जिन वीडियो गेम से खेलती थी उसका पार्टनर आज भी उनके साथ ज्यादा समय बिताता है जो बचपन में खेला करती थी। तो उन्हें ऐसे पार्टनर से बिल्कुल चिढ़ हो जाती है, खींच आ जाती है, जो घंटों कंप्यूटर पे या फिर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। तो गेम्स खेलते रहना उन्हें चिड़चिड़ा बना देता है। थर्ड है ये पैकिंग जल्दी करना। पुरुषों के पास पैकिंग के लिए बस दो जोड़ी जूते, हेयर जेल, ऑयल और कुछ टी शर्ट्स होते हैं या एक दो जीन्स डाल लिया, जिसे आसानी से और बहुत जल्दी पैक कर लेते हैं। महिलाओं को अपनी पैकिंग करने के लिए एक दिन भी कम पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप फोन करो तो दो तीन दिन पहले से पता चला महिला अपनी पैकिंग कर रही है कहीं जाने के लिए। तो महिलाओं को पुरुषों की इस चीज से खासतौर से जलन होती है कि भैया इतनी जल्दी उसकी पैकिंग हो गई। अब अगली चीज, इमोशंस को लेकर सच नहीं कहना। पुरुष जल्दी इमोशंस को लेकर सच नहीं कहते हैं। पुरुष द्वारा अपने इमोशंस को छुपाना महिलाओं को नापसंद है। इससे उन्हें चिढ़ होती है और वो कई बार अपने पार्टनर को ऐसा चेता भी देती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में कोई बदलाव नहीं आता है और वो अपने इसी रवैये को दोहराते रहते हैं। तो इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता है, लेकिन इस बात को महिलाएं हल्के में नहीं लेती हैं। वो खुद को ही अपने पार्टनर के इस बर्ताव की वजह मानने लगती है। पुरुष रोते नहीं हैं और जल्दी अपने मन में चल रही छुपाते हैं, वो साझा भी नहीं करते हैं, और यही बात उनके पार्टनर को परेशान करती है। जो अगली चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है पुरुषों द्वारा महिलाओं को जज करना। पुरुषों द्वारा महिलाओं को जज करना, वो थोड़ी सी जजमेंट जो है वो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। जब पुरुष महिलाओं को जज करते हुए कहते हैं कि वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, तो इस बात से खुद को जोड़ लेती हैं। इस तरह की बातें किसी भी हद तक बढ़ सकती है। जब आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको जेंडर से संबंधित बातें एहतियात के साथ कहनी चाहिए। इस तरह के बयान आपकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा दिला सकते हैं। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड ड्राइविंग नहीं कर रही हो, पर आप वहाँ जेंडर्स रिलेटेड बातें कर रही हैं, मतलब समस्त स्त्री जाति को अपमानित कर रहे हैं, वो उन्हें पसंद नहीं रहता है। तो अपने पार्टनर के साथ इस तरह की बहस शुरू ना करें, वरना जो अंजाम है वो फिर काफ़ी बुरा हो जाता है। उसके बाद अगली बात वो है
ये ज्यादा प्यार नहीं जताते। पुरुष जो हैं प्यार जताने में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं। बहुत कम पुरुष होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ की तारीफ करते हैं, प्यार जताने में ये कंजूसी कर देते हैं। उसके बाद ईगो प्रॉब्लम है। अगली बात जो है, पुरुषों, चूंकि हमारा जो समाज है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या हमारा देश हो, हमेशा यहाँ मर्दों का वर्चस्व रहा है कि हमने जो कहा वो सही है। तो इसको आज की दुनिया से एकदम रिलेट करके देखें तो उसको आप ईगो प्रॉब्लम कहोगे। तो जो ईगो प्रॉब्लम है वो महिलाओं को पसंद नहीं है। उसके बाद जो महिलाओं को पसंद नहीं है वो है कि जो मर्द होते हैं वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मतलब आपने गलती की नहीं, या गलती वो है या नहीं है, पर उसका जजमेंट जो है पुरुष अपने हिसाब से कर लेते हैं और वो जगह वगैरह नहीं देखते हैं और वहां पे वो शुरू हो जाते हैं कि ये गलती है, ये गलती, ये गलती, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो आदतें हैं वो महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद है भूलने की आदत। रोज रोज मर्दों के भूलने की आदत औरतों को पसंद नहीं है। पुरुषों को भूल जाने की टेंडेंसी होती है और ये किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं है। जब आप रोज ही चीजें भूलकर उसके लिए बहाने बनाने लगते हैं तो ये आपके पार्टनर को परेशान कर देता है। जन्मदिन, एनिवर्सरी और वो दिन जो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए बहुत खास हो, वो भूल जाना उन्हें बिल्कुल ज्यादा भावुक और गुस्सा दिला देता है। उसके बाद है रेट रिप्लाई करना। कभी कभी क्या होता है, आप बातें कर रहे हैं, आपकी वाइफ आपसे बातें कर रही है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बातें कर रही हैं और आप कहीं और कुछ और सोच रहे हो, आप उनका रिप्लाई लेट कर रहे हो, या जैसे उन्होंने आपको कॉल किया आप कहीं बिजी हो या कुछ कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आपने अवॉइड किया, आप लेट रिप्लाई कर रहे हो। तो ये बातों से महिलाओं को बहुत चिढ़ है, उन्हें हर चीज़ टाइम पे चाहिए। उसके बाद लापरवाही होना, बेपरवाह होना, जैसे मर्द लोग की जंगली आदत रहती है, घर पे आए तो कपड़ा इधर फेंक दिया, कपड़ा उधर रख दिया, मतलब वो थोड़े से लापरवाह टाइप होते हैं और वो बचपन से होते हैं। तो आपकी जो ये आदत है वो उन्हें कतई पसंद नहीं है। आप सुबह निकल रहे हो, मोजा ढूंढ रहे हो, अरे भाई आपका काम है, आप खुद ही ढूंढ लो, कर लो, पर वहां पर वो लापरवाह है। फिर एक जो सबसे बड़ी बात उन्हें बुरी लगती है वो होता है पहले प्यार की जिक्र करना या उनकी फिक्र करना, और ये बहुत ही जायज जिद है, बहुत ही मतलब जायज चीज़ है जिसपे गुस्सा होना चाहिए। और यही है, क्योंकि मर्दों की आदत होती है कि कभी कभी उनके जो गर्लफ्रेंड्स होते हैं या जो प्रीवियस रिलेशन होते हैं उनके बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं। तो ये उनकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को या उनकी वाइफ को कतई पसंद नहीं, इस बात से उन्हें चिढ़ होती है। उसके बाद कपड़े के ऊपर हम आते हैं। मर्दों की एक आदत होती है यार, वो ये कपड़ा पहना था, अच्छा चलो जाने दो यार, परसों वही कपड़े पहन ले, सेम कपड़ा पहन लिया। महिलाओं को पुरुष पसंद आते हैं जो साफ रहें और रोजाना एक ही कपड़े को ना दोहराएं। जब पुरुष ऐसा नहीं करते हैं तो ये उन्हें बहुत चिड़चिड़ा कर देता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपने अपनी लेडी से कई बार नहाने और साफ कपड़े पहनने के बारे में सुना होगा, तो ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद बेस्ट फ्रेंड के साथ डेट पर जाना, ये कतई कोई भी लड़की, कोई भी गर्लफ्रेंड या मिसेस, आपकी वाइफ कतई पसंद नहीं करेगी। और एक्स की बातें तो उन्हें कतई पसंद नहीं, इससे वो चिढ़ जाती है। अपने पार्टनर के सामने कभी भी अपने पूर्व गर्लफ्रेंड का जिक्र नहीं करें। आपके पार्टनर को जरा भी पसंद नहीं आएगा कि आपके जहन में अभी भी एक्स के ख्याल आते हैं और आप उसके बारे में बातें करते हैं। ये उन्हें काफी दुखी कर देता है और वो इसे जल्दी भूल नहीं पाती है। उनके सामने भूल कर भी पूर्व प्रेमिका का नाम नहीं लें जब तक कि वो खुद कभी आपसे उसके बारे में ना पूछे। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई कि औरतों को मर्दों की किस बात से ज़्यादा चिढ़ है, किस बात से ज़्यादा खींच है। और हम चाहेंगे कि आप ये वीडियो
शेयर करें ताकि और मर्दों तक ये वीडियोस पहुंचे। तो धन्यवाद। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेसर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।